हेलो स्टूडेंट, तैयार हैं आज हम नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड को यूज करना सीखा है कि किस प्रकार हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते हैं। आज हम जो कार्य करेंगे उसमें हम एक नया मेथड सीखेंगे और इस नए मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना सीखेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसके रूट्स फाइंड करो या जीरोस फाइंड करो। जनरली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी यूज होता है, उसको हम कम यूज करते हैं। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? देखिए पहले हम इसको सीख लेते हैं कि कैसे बना है ये फॉर्मूला। जनरली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ए, एक्स का कोफिशियंट है बी और जो ये कॉन्स्टेंट टर्म है ये क्या है, सी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम हिंदी में द्विघाती सूत्र भी इसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। यदि हमारे पास इसी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, अगर इसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर है या जीरो के इक्वल है, या तो जीरो से बड़ी है या जीरो से के इक्वल है, तो हम कहते हैं कि इसके कोई ना कोई रियल रूट्स होंगे। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कोई ना कोई रियल रूट होंगे, वो इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल टू जीरो आता है तो इक्वल रूट होंगे, अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो रियल रूट होंगे। लेकिन अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से छोटा आ जाता है, यानी जीरो से छोटी वैल्यू आती है या नेगेटिव में वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या है, इसके इमेजिनरी रूट होंगे। कैसे? इमेजिनरी रूट्स। देखिए इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, जो वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक रूट नहीं है या जो रियल रूट नहीं है उसको हम इमेजिनरी रूट बोलते हैं। ऐसा तब होगा यदि बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारे पास जीरो से लेस देन आ जाता है। अब देखिए इसी से मिलकर एक फॉर्मूला बना है, ठीक है, फॉर्मूला है या जो भी सूत्र है। देखिए वो फॉर्मूला हमने ऐसे याद रखना है, सबसे पहले हमें बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना होता है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए रूट्स निकालने होते हैं। रूट्स का मतलब होता है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। लास्ट टाइम हमने एक्स की वैल्यू निकालनी सीखी है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। आप इसको एक दो बार यूज करोगे, इसको जब आप बार बार यूज करोगे क्वेश्चंस के अंदर तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। आप दो तीन बार जब भी क्वेश्चन निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, अगर आप क्वेश्चन निकाल रहे हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी इक्वेशन के रूट फाइंड करना चाहते हैं तो आपने उसको बार बार लिखना है। जब आप इस फॉर्मूले को बार बार राइट करोगे लिखोगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है जी। अभी हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम इसके माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखिए हमने कल कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट मेथड से किया था, या फिर स्क्वेयर जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर मेथड था उससे हमने सॉल्व किया था। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे। जो हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम परफेक्ट स्क्वेयर मेथड से किया है उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, टू एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए हमारे पास जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट होता है उसको हम a बोलते हैं, a की वैल्यू कितनी है यहां पर 2 है, और जो x का कोफिशियंट होता है उसको b बोलते हैं, b का वैल्यू कितना है माइनस सेवन है, और जो हमारे पास
कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम सी बोलते हैं और जिसका वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है। अब आप देखिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और इसके रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले हम बी का स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं जिससे पता लगेगा कि हमारे पास रूट रियल है या फिर इमेजिनरी है या फिर इक्वल रूट है। तो देखिए बी का वैल्यू है -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4, और ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 3। तो देखिए 7 स्क्वायर जो होता है वो 49 के इक्वल होता है, ठीक है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसी संख्या को हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -7 × -7, तो 7 × 7 = 49, -(-) + 49 आएगा। अब आता है -4 × 8, 8 × 3 = 24 = 25। तो हमारे पास क्या आया, बी का स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके रियल रूट है। कैसे रूट है, रियल रूट या वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो देखिए रियल रूट्स हैं, तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं इसको पुट करता हूं -b, तो -b की जगह पे कितना है, -7 है। तो अगर दोनों संख्या माइनस के, तो आपने ब्रैकेट में जरूर लिखना है, अगर माइनस की संख्या उसको ब्रैकेट में जरूर लिखिए, +(√) और बी का स्क्वायर माइनस 4ac हमने अभी अभी सोल्व किया है। देखिए हमारा आंसर आया है 25, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, 25/2a, 2 × a की जगह पे कितना है, 2 है। तो अब आप देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस, और √25 किसके बराबर होता है, 5 के इक्वल होता है, √2 × 4, ठीक है। तो अभी आप देखिए हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी यहां से, एक बार तो हमने इसको प्लस करना है, देखिए दो वैल्यूज आएंगी कैसे, एक बार इसको प्लस करेंगे, देखिए x = प्लस करते हैं 7 × 5 = 12/4, तो एक्स की वैल्यू आती है 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 3। एक बार इसको माइनस करते हैं, 7 में से 5 गया 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है 2/4 यानी 1/2। तो यानी कल हमने देखे लास्ट वीडियो में हमने इसको सॉल्व किया था, और लास्ट वीडियो में भी आंसर यही आया था कि एक्स की वैल्यू एक 3 आई थी और एक कितनी आई थी 1/2। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड अगर आप लगाते हैं तब भी रूट्स वही के वही आते हैं, यदि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तब भी रूट वही के वही आते हैं। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन निकालने के लिए पूछा गया है या फिर परफेक्ट स्क्वायर से पूछा गया है, आप किसी भी, आपके पास दो मेथड हैं, दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको समझ आया होगा, देखिए हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप के ताकि ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1-2 में सारी चीजें पढ़ी हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको हम किस किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो उन सभी के बारे में, इसके फैक्टराइज कैसे करते हैं, उन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो पढ़ी है, जो 10th क्लास का प्लेलिस्ट है, तो आप वहां से उनको देख सकते हो और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके, ठीक है जी। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं देखिए x − 1/x है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे, किससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे जनरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x − 1/x है, तो जनरली सी बात है कि जब हमारे पास एक संख्या है अगर वो फ्रैक्शन में दी गई है और दूसरी संख्या फ्रैक्शन में नहीं है तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की संख्या आएगी, एक्स एलसीएम आ जाता है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, x² − 1 = 3।
तो आप देखिए इस x को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स। अब थ्री एक्स को इधर ले आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स और माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो। इसको ध्यान से समझिए कि हमने पहले इसको एलसीएम लिया है, एलसीएम जब हम लेते हैं तो नीचे जो संख्या होती है अगर कुछ नहीं है तो वन है, वन से भाग करते हैं, वन को इस किसी भी संख्या से भाग करेंगे वही की वही संख्या आती है और इसको हम फिर ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स की पावर टू माइनस, अब जो एलसीएम आया है एक्स, अब इसको इससे भाग करना होता है, भाग करेंगे एक्स को एक्स से वन आएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है और अब जो ये डिवाइड में है इसको हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर डिवाइड में है तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब इधर ये बराबर से इधर प्लस का है तो इधर लेके आएंगे किसको हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, एक तो हमने पहले इक्वेशन सॉल्व करनी थी, उसके बाद इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट को फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास ए का वैल्यू कितना है, वन है, बी का वैल्यू कितना है, ए होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा है, अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो उसके आगे वन लगा हुआ है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, वन है, बी का वैल्यू कितना है, माइनस थ्री है और सी का वैल्यू भी कितना है, माइनस वन है। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं या फिर पहले आप इसको बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि रियल रूट है या इमेजिनरी रूट है। अब देखिए बी का स्क्वायर यानी माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर मल्टीप्लाई ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू है माइनस वन, माइनस वाली संख्या को आपने ब्रैकेट में जरूर लिखना है, ये बात याद रखिए नहीं तो गलती हो जाएगी। माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री का स्क्वायर होता है नाइन और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा प्लस। तो देखिए माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आएगा, नौ और चार कितना हो गया है थर्टीन, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद आता है एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, फॉर्मूला जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस यानी बी की जगह कितना है माइनस थ्री है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारे पास थर्टीन आया है और अपॉन में है टू ए, टू ए, ए की वैल्यू है वन, यदि हम टू को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर क्या आ रहा है टू आ गया है। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है, एक्स इज इक्वल टू प्लस का थ्री प्लस माइनस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू। अब आप देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, एक बार इसको प्लस रख देते हैं एक बार माइनस रख देते हैं। देखिए एक बार मैंने प्लस रखा तो एक्स की वैल्यू ये आएगी, एक बार माइनस रखेंगे तो थ्री माइनस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू आ जाएगा, तो दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरह से हम इसके रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी, ये इसका रूट निकालने का फॉर्मूला है, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना इस तरह से हम सीखते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उसके बाद इसको निकालना सीखिए। इसके बाद आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो वो चार के चार पार्ट आपने पहले परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करने सीखने हैं, वो उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करने सीखने हैं, ठीक है जी। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। अच्छा 4.2 के जो तीसरा चौथा और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है 11 तक, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए एचबीएससी में तो इनमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, हर बार 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आपको जल्दी पूछा जाता है 5 मार्क्स का। देखिए थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और आज का तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा, एक्स प्लस फोर दिया गया है, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस सेवन है और इज इक्वल टू है 11/30। अब देखिए आपके पास जनरली आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे
उसमें इस तरह है कि आपके पास इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर वेरिएबल भी आपको डिवाइड में दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने उनको कैसे सोल्व करना है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना जाता है तो जनरली सी बात है कि बाकी के सभी क्वेश्चन भी आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर हो सकता है लेकिन आपको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए, जब भी आपके पास ऐसे फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू दी जाती है, अगर फ्रैक्शन में दो वैल्यूज हैं और वो प्लस माइनस में है, तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था। देखिए, मैं इसका एलसीएम लेता हूं, तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस फोर आ जाएगा और एक्स माइनस सेवन आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको इससे भाग करेंगे, एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स माइनस सेवन। इसको ऊपर एक से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस सेवन आ जाएगा, ठीक है। अब किसका निशान है, माइनस का निशान है। इसके बाद x माइनस, इसको इससे भाग करेंगे, x माइनस सेवन से x माइनस सेवन डिवाइड हो जाएगा, लेकिन x प्लस फोर बचेगा। इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस फोर। आगे माइनस लगा हुआ इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ा है, ठीक है। अगर प्लस होता तो उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ही लिख लीजिए आप, ठीक है। इज इक्वल टू है 11/30। अब आप देखिए, अब आप इसको सोल्व करना है तो देखिए, एक्स माइनस सेवन एज इट इज आएगा, ठीक है। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और माइनस का फोर अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेवन एक्स आएगा, अब फोर को एक्स से करेंगे प्लस का फोर एक्स आ जाएगा, और प्लस के फोर को माइनस सेवन से करेंगे माइनस का ट्वेंटी एट आ जाएगा, माइनस का 28 आ गया है। तो आप देखिए, इज इक्वल टू है 11/13। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, एक प्लस का एक्स है, एक माइनस का एक्स है, माइनस सेवन है, माइनस फोर है, तो माइनस 11 आ गया है, और अपॉन में क्या आया है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का सेवन है, प्लस का फोर है, तो माइनस का 3x आ जाएगा, और माइनस का है 28 इज इक्वल टू 11/13। अब आप देखिए, यहाँ पे माइनस का 11 है, ठीक है, और यहाँ पर है 11, तो देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, बस यहाँ माइनस वन बचेगा क्योंकि सेम है दोनों साइड, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस वन। तो हमारे पास ये चीज बच गई है, देखिए, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 28 इज इक्वल टू 1/30। अब इसको आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 13 को इससे करेंगे माइनस का 13 आ जाएगा, और इसको एक से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 28। तो देखिए, अब इस माइनस 30 को उधर लेके हम जाते हैं तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 28 गया, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। यहां से ए बी सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू कितना है, 1 है, बी इज इक्वल टू कितना है, माइनस 3 है, और सी इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला आपने हर बार लिखना है, ठीक है। बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो अब देखें, माइनस बी, तो माइनस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए, बी का स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो बी का स्क्वायर यानी माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए और सी की जगह क्या है, ए की जगह 1 है, सी की जगह है 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 9 आएगा, और माइनस 4 × 2 = 8, यानी ये 1 आ गया है, तो यहाँ पर 1 आ गया है, ठीक है। अपॉन में आएगा 2a, तो 2a की जगह 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही का यही आएगा। अंडर रूट 1 जो होता है वो 1 के ही इक्वल होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया है 3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। तो देखिए, एक बार इसको ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब ऐड करेंगे 3 और 1 4 हो गया है अपॉन में 2, तो आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी 2, और एक बार इसको माइनस करेंगे 3 माइनस 1 2, तो x की वैल्यू आएगी 1। तो देखिए, हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई है, एक x की वैल्यू 2 आई है, तो हमारे पास जल्दी 2x की वैल्यू आई है,
एक तो आई है x की वैल्यू 2 और एक आई है x की वैल्यू 1। ठीक है जी, तो इस प्रकार हमें x की वैल्यू सॉल्व करनी है। देखिए थोड़ा सा लेंथी जरूर है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। आपको जर्नी आगे जितने भी क्वेश्चन है 11 तक, वो सभी के सभी इसी प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, आपको इस तरह से इक्वेशन दी जाएगी कोई भी, उसको पहले आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम को बहुत ध्यान से लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद जो भी चीज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट करना है, नीचे जो भी इक्वेशन बनती है उसको आपने दूसरी साइड लेके जाना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कुछ भी कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट करिए, अगर नहीं होता है तो एज इट इज रखिए और उसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास यहाँ पर आता है -30। ठीक है, -30 के बाद ये इक्वेशन आ गई है। जब ले इस इक्वेशन को हमने जो भी इस साइड है उसको हम इस साइड लेके जाएंगे, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे +2 बचा है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, अब यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। उसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो ये है। उसके लिए हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a की वैल्यू क्या होती है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो a की वैल्यू कितनी है 1। b की वैल्यू कितनी है, जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है -3, और c की वैल्यू कितनी है 2 है। जब हम इस सारी वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है, तो पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू सोल्व होके आती है। यहाँ पर हमने बी का स्क्वायर -4ac निकाला है, बी का स्क्वायर -4ac क्या है, बी -3 है, और 4ac जब वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया है, और पुट करने के बाद x की दो वैल्यू आई है, एक x की वैल्यू आई है, एक बार इसको प्लस करेंगे एक बार इसको माइनस करेंगे। देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, तो 4/2 आ जाएगी x की वैल्यू, और जब इसको माइनस करेंगे 3-1 तो 2 आएगा, 2/2 कितनी आएगी x की वैल्यू 1। तो हमारे पास ये दो x की वैल्यू आई है, एक x की वैल्यू 2 है और एक x की वैल्यू 1 है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे, उसको आपने बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में बाकी स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।